नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 31 दिसंबर की रात दिल्ली के कंझावला में जो एक बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जो एक दिल्ली के कहना चाहिए कि सड़कों पे एक आतंक फैला था, जो एक हुड़दंग हुआ था, उसमें 20 साल की अंजलि की जान चली गई थी और इस पूरे हादसे की चश्मदीद गवाह, आप समझ लीजिए कि वो इस समय गायब है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये जो धाराएं लगाई गई हैं कार में, जो गाड़ी कार को जो चलाने वाले थे, उनका क्या हश्र होने वाला है। बहुत सारे कंफ्यूजन है और निधि गायब हो चुकी है। आप पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको जो मैं आपसे कह रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपकी जानकारी में ला रही हूँ, वो मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा। तो अभी देखिए, निधि अपने घर से गायब है। निधि वो चश्मदीद है जिसने अपनी आँखों से 31 दिसंबर की रात कंझावला में 20 साल की अंजलि को कार के नीचे कुचलते हुए अपनी आंखों से देखा। अब आप सोचिए कि अगर वो लड़की गायब हो गई है तो इस पूरे केस का क्या होगा। और पुलिस अधिकारी जो है वो भी ये कह रहे हैं कि जांच के दौरान आरोपियों और अंजलि में पहले से कोई बातचीत नहीं थी, कोई रंजिश नहीं है, इससे ये साफ हो गया है कि मर्डर में कोई प्लानिंग नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि पुलिस के पास वही सबूत हैं जो पहले थे, लिहाजा अब ये साबित कैसे होगा कि ये जो धारा लगाई है, यानी कि जो हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये साबित कैसे होगा। एक और बात है दोस्तों, काफी दिन से मैं भी आपको सारे अपडेट दे रही हूँ। कोर्ट में पुलिस के दावे की जांच और अंजलि की दोस्त निधि की जो कहना चाहिए कि आंखों से देखी उसकी जो बात है, उसको क्रिमिनल लॉयर कैसे कोर्ट में प्रस्तुत करेगा, ये कोर्ट में कितने दिन केस टिक पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पे मैं बार बार बात इसलिए कर रही हूं दोस्तों क्योंकि अंजलि का केस काफी चर्चा में है। थाना लेवल पे कोई भी पुलिस अधिकारी इस पे खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना, उसमें ये सब बातें साफ हो चुकी हैं कि मर्डर जो है प्लानिंग से नहीं हुआ है और कार में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें पता चल गया था कि नीचे सब कुछ है, उनके एक लड़की की बॉडी है। अगर वो बॉडी नहीं बनती, अगर उसे सही समय पे उन्होंने कार से खींच लिया होता। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है ना दोस्तों, वो ये है कि कोई भी इंसान अगर कार के नीचे आ जाता है तो वो इतनी दूर तक लटकता हुआ नहीं जा सकता। और यही वजह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसको रस्सी से बांधा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पहिए में फंसी हुई थी। और इसका प्रूफ किसी के पास नहीं है, बस ये बात है कि ये बात साफ हो चुकी है कि मर्डर में प्लानिंग नहीं थी। और जांच अधिकारियों की जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, काफी सारे कंफ्यूजन उसमें दिखाई दे रहे हैं, काफी झोल है पूरे मामले में। और अब आप देखिए ना, आपके सामने ही है कि केस में हत्या की धाराएं लगा दी हैं, लेकिन उसे साबित करना मुश्किल है, ये पुलिस भी मान रही है। पूरा मामला मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कि वकीलों की नजर से अगर इस केस को देखा जाए तो एक बात निकल के ये आती है कि अगर आरोपियों को ये पता चल गया था कि लड़की कार के नीचे है और वो फिर भी ड्राइव करते रहे, ऐसी स्थिति में धारा 302 के ही तहत केस चलना चाहिए। पुलिस को ये साबित करना होगा कि लड़की की कार से टक्कर हुई तो वो अंदर बैठे हुए लोगों को टकराने की आवाज, घसीटने की आवाज या किसी और वजह से उनको पता चल गया था कि कार के नीचे लड़की है, या
मतलब जिस जिस तरीके से उसे घसीटते हुए ले गए। एक और बात है दोस्तों, निधि की बात पे भी मैं आती हूँ। आपको निधि की के लिए चिंता हो रही होगी कि वो कहाँ गायब हो गए, तो मैं वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन क्या धारा 302 के तहत मोटिव होना जरूरी है? इस केस में पहले से ही तैयारी और रंजिश जैसा कोई मोटिव दिखाई नहीं दे रहा। और जो जाने माने कानून के ज्ञाता हैं, उनका ये मानना है कि हत्या हो रही है इसके बारे में पता होना भी इसी के तहत आता है। अगर किसी को ये पता चल जाता है कि किसी को गाड़ी से टक्कर मारी गई है और गाड़ी को रोक करके उसे हॉस्पिटल ले जाने की जगह अगर आप उसको और नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको और मतलब मौत के नज़दीक लेके जा रहे हैं, तो इससे इरादा साफ हो जाता है कि वो जो इंसान है वो मर ही जाएगा। हत्या का मोटिव यहीं से तैयार होता है, ऐसा भी वकील कह रहे हैं। और अब मैं आती हूँ निधि पर। ये जो बातें मैंने आपको दो तीन पॉइंट्स बताए हैं, इससे ये पता चलता है कि ये केस कोर्ट में बहुत ज्यादा स्टैंड होने वाला नहीं है। और ये डिपेंड करता है वकीलों की जिरह पे कि किस तरीके से वो उसको जो है एस्टेब्लिश करते हैं 302 में। अच्छा, एक चीज और है, सीसीटीवी फुटेज में अंजलि की दोस्त निधि शुरुआत से शक के घेरे में है। पहले वो अंजलि के एक्सीडेंट के बाद उसे छोड़ करके घर चली गई, जैसा कि आप जानते ही हैं। किसी को भी, यहाँ तक कि पुलिस को भी इसके बारे में पता नहीं था, फिर भी कहा कि अंजलि ने शराब पी रखी है। लेकिन ये दावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खारिज हो गया। निधि पर ड्रग्स पेडलिंग का भी केस दर्ज है। इसके बावजूद अभी तक पुलिस ने उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। निधि सुल्तानपुरी में रहती है, लेकिन आजकल वो अपने घर से गायब है। उसके पड़ोसियों को भी ये नहीं पता है कि वो कहाँ है, और उसका परिवार भी गायब है। पहले तो वो अपने घर में बंद थी, पुलिस आ रही थी, लेके जा रही थी, पुलिस घर में बैठ के बात कर रही थी, पुलिस उसके घर पे भी, घर के बाहर भी तैनात थी। क्यों? क्योंकि कोई उससे मिले ना। अब ये देखिए कि वो अपने घर से गायब है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे सवाल भी हैं जो सिर्फ निधि से जुड़े हुए हैं। उस रात अंजलि के साथ वो क्यों जाती है, पहला सवाल। फिर अंजलि से उसकी दोस्ती कैसे होती है? होटल से निकलने के बाद स्कूटी के पास क्या बातचीत हो रही थी, ये भी निधि को ही पता है। स्कूटी के पास खड़े हुए लड़के कौन है, ये भी निधि जानती है। अंजलि का एक्सीडेंट कैसे हुआ, बिल्कुल निधि की आंखों के सामने, ये भी उसे पता है। वारदात के कई घंटे के बाद उसने पुलिस को नहीं बताया, झूठ बोला कि अंजलि ने शराब पी रखी थी। ये सब जो सवाल है ना, इनके जवाब निधि के पास है, जो इस समय गायब है। और एक बात, अंजलि की माँ ये कहती है कि वो शुरुआत से ही जो है पहले तो पुलिस से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, और उनकी माँ कह रही थी कि उनका मर्डर हुआ है। ये जब इंसान दुखी होता है तो उसे समझ नहीं आता, उसको केवल अपना दुख, अपना गम दिखाई देता है। और ये सही बात है दोस्तों, जिसके घर की एक बेटी चली गई हो, जिसके ऊपर पूरा परिवार टिका हुआ हो, जाहिर सी बात है उनका दुख तो बहुत बड़ा है। और फिर उनकी माँ बिस्तर पे है, उनका डायलिसिस जल्दी जल्दी हो रहा है, भाई है छोटा, पढ़ाई कर रहा है, और मतलब उनका कई कई बार डायलिसिस होता है। इतनी उनकी तबीयत खराब है कि वो ठीक से बता भी नहीं पाती हैं किसी को, कुछ अपना दर्द नहीं साझा कर पा रही हैं। और अब जब धाराएं बदल गई हैं, हत्या में केस कन्वर्ट हो गया है, तो उनको थोड़ी सी राहत है। लेकिन वो इस मुद्दे पे आके बहुत नाराज हो जाती हैं कि अंजलि पे अभी, अंजलि की जो दोस्त है निधि, उस पर अभी तक कोई सख्ती नहीं हुई है। कई सारी बातें हैं दोस्तों जो निधि पर सवाल उठ रहे हैं, और निधि गायब है। एक और बात है दोस्तों, पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आरोपियों ने शराब पीकर एक लड़के को कुचल दिया,
लड़की की लाश को 12 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे ले गए, लेकिन रास्ते में ना कोई नाका पड़ा, ना पुलिस की कोई पेट्रोलिंग टीम ही नजर आई। अगर उनको दिखाई देती तो वो जरूर से जो है उस लड़की को बचाने की कोशिश करते। इसका मतलब सड़कों पर जो है शराबियों का ज्यादा दबदबा रहता है, पुलिस वहां से गायब रहती है। कई सारी बातें हैं दोस्तों। अगर इस पूरे मामले में जो चश्मदीद है, निधि है, अगर वही गायब हो गई, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मतलब जो अंजलि के परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस की मिली भगत से ही जो है निधि भी गायब हो गई है। अब इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। निधि कहाँ चले गई है, निधि को कौन संरक्षण दे रहा है, निधि को किसने गायब कर दिया है, और निधि के साथ कई सवाल हैं जो उसके गायब होने के साथ ही कहीं गायब ना हो जाए। सबसे बड़ी चिंता जो परिवार की है, अंजलि के परिवार की है, वो ये है। तो दोस्तों अगला अपडेट जो भी निधि को लेकर मेरे पास आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल इतना ही है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।